नमस्कार दोस्तों, आपका एग्ज़ाम फेवरेट चैनल में स्वागत है। और मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ संपूर्ण मध्य प्रदेश का, जो मैं आपको एनसीईआरटी के तहत पढ़ा रहा हूँ। तो संपूर्ण मध्य प्रदेश के अंतर्गत जो चैप्टर लाया हूँ वो हमारा है आज का 13वां चैप्टर, है ना। तो 13वां चैप्टर के अंतर्गत हम देखेंगे आज ग्वालियर संभाग के जो 5 जिले हैं ना, उसके हम लोग मेन मेन पॉइंट देख लेंगे, ठीक है। हमारे जो ग्वालियर संभाग के जो 5 जिले हैं उसके मेन मेन पॉइंट हम देख लेंगे। तो हमारे ग्वालियर संभाग के अंतर्गत जो 5 जिले आते हैं वो क्या क्या है? ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर और दतिया। हम इन 5 जिलों के जो मुख्य बिंदु हैं उन पर हम आज चर्चा करेंगे, ठीक है। तो हम चलते हैं हमारे ग्वालियर संभाग के जिले के ऊपर में, और जो हमारा पहला जिला है वो है हमारा ग्वालियर। अगर से ग्वालियर के हम मुख्य बिंदु की बात की जाए हम, है ना, वो है कि सीआरपीएफ का प्रशिक्षण केंद्र हमारे ग्वालियर ज़िले में स्थित है ना। ये इम्पोर्टेंट है और इसके ऊपर में भी ऑलरेडी क्वेश्चन बन चुका है, ठीक है। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, इसका जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है? सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स का प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर है? हमारे ग्वालियर ज़िले में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, तो वो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा घाटी गांव अभ्यारण्य कहाँ पर है? हमारे ग्वालियर ज़िले में। तो हमको याद रखना है कि जो घाटी गांव अभ्यारण्य है वो कहाँ पर है? हमारे ग्वालियर ज़िले में। और वहाँ पर किसका संरक्षण किया जाता है, मतलब जो घाटी घाटी गांव अभ्यारण्य है वहाँ पर किस जीव का संरक्षण किया जाता है? तो वो है सोन चिड़िया का। तो हमारे घाटी गांव अभयारण्य में किसका संरक्षण किया जाता है? सोन चिड़िया का संरक्षण किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं, तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सूचना तकनीकी विश्वविद्यालय हमारे ग्वालियर ज़िले में स्थित है, ठीक है। क्या? सूचना तकनीकी विश्वविद्यालय। उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, तो राजा मानसिंह तोमर संगीत विश्वविद्यालय भी कहाँ पर स्थित है? हमारे ग्वालियर ज़िले में। क्या? सूचना तकनीकी विश्वविद्यालय और प्लस राजा मानसिंह तोमर संगीत विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित यह है? हमारे ग्वालियर ज़िले में। अगर से पूछा जाए कि राजा मानसिंह तोमर संगीत विश्वविद्यालय की स्थापना कब, मतलब उसको कब स्थापित किया गया, तो कब स्थापित किया गया? आपके वर्ष 2008 में, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर में। तो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा, हमारे पूरे मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा व्यापारिक मेला कहाँ पर लगता है? तो वो कहाँ पर लगता है? हमारा हमारे ग्वालियर ज़िले में लगता है, ठीक है। उसके बाद में जो भी होता है एनसीसी का, है ना, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एनसीसी का महिला प्रशिक्षण कॉलेज कहाँ पर है? अगर से पूछ लिया जाए आपको कि एनसीसी का महिला प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर स्थित है, तो वो हमारे है ग्वालियर ज़िले में स्थित है, ठीक है। इसका जो नेक्स्ट पॉइंट वो ये है कि महालेखाकार का जो कार्यालय है वो भी हमारे ग्वालियर ज़िले में स्थित है, ठीक है। महालेखाकार का कार्यालय भी ग्वालियर ज़िले में स्थित है, ठीक है। अब हम चलेंगे नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर में। तो संगीत सम्राट, आप जानते हैं, सभी जानते हैं कि जो संगीत सम्राट है वो कौन है? हमारे तानसेन जी है, ठीक है। तो तानसेन जी का जो संगीत सम्राट हमारे तानसेन जी है, उनका जो मकबरा है वो कहाँ पर है? हमारे ग्वालियर ज़िले में, राइट। उनका जो संगीत सम्राट जो तानसेन जी है उनका मकबरा कहाँ पर है? हमारे ग्वालियर में है। और जो तानसेन समारोह होता है, संगीत समारोह, है ना, वो कहाँ पर होता है? हमारे ग्वालियर ज़िले में होता है, ठीक है। और उसका जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है, ठीक है। ये इसके ऊपर मैं ऑलरेडी क्वेश्चन तो ऑलरेडी बन चुका है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं जितने भी बता रहा हूँ सब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। एक मजिद पे मैं जो गोला मार रहा हूँ, है ना, गोला लगा रहा हूँ, वो जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर मैं से क्या है ऑलरेडी क्वेश्चन बन चुका है, ठीक है। तो इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि सरोदगढ़ संग्रहालय भी हमारे ग्वालियर ज़िले में स्थित है। इसके जो मेन मेन पॉइंट है तो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। और हम इसके और कुछ दो तीन पॉइंट हैं वो देख लेते हैं। इसके जो प्रमुख पर्यटन स्थल है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमको इसके जो ग्वालियर ज़िले के जो पर्यटन स्थल है वो हमको पूरे के पूरे याद होना चाहिए। वो उनमें से किसी में भी से लेकर किसी से भी लेकर के हमारे लिए वो क्वेश्चन तैयार कर सकता है। तो इसके नेक्स्ट पॉइंट की बात की जाए, तो जो ग्वालियर का किला है ना, नेक्स्ट पॉइंट की बात की जाए तो जो ग्वालियर का जो किला है ना, ग्वालियर का किला है, इसको किस नाम से जाना जाता है? जिब्राल्टर के नाम से भी जाना जाता है। किसको? हमारे ग्वालियर ज़िले में जो स्थित है ग्वालियर का किला, उसको जिब्राल्टर के भी नाम से जाना जाता है। और किस नाम से जाना जाता है? किलो का रत्न, है ना, किलो का रत्न, इन दो नामों से जाना जाता है, ठीक है। ग्वालियर का जो किला है उसको जिब्राल्टर के नाम से भी जानते हैं, और क्या नाम से जानते हैं हम लोग? किलो का रत्न। अगर अब हम इसके ग्वालियर जो हमारा जो ज़िला है इसके जो पर्यटन स्थल है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से पढ़िएगा, है ना, पर्यटन पर्यटन स्थल, हम इसको आपको बता दे रहे हैं ना, पर्यटन स्थल बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, है ना। मैं इसके जो हमारे ग्वालियर ज़िले के जो पर्यटन स्थल है मैं उनके नाम आपको बता देता हूँ। छतरी बाग, ठीक है, छतरी
बाघ, ग्वालियर का किला, ग्वालियर का किला, ठीक है। मैं इसके इंपॉर्टेंट आपको पर्यटन स्थल बता दे रहा हूँ, आप इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है, या तो फिर आप इसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। छतरी बाग, ग्वालियर का किला, है ना, और मान मंदिर, मान मंदिर, ठीक है, ये आपका हो गया मान मंदिर, है ना। बाड़ा, बाड़ा, ठीक है, बाड़ा के बाद में आ जाएगा अपना क्या, मोती महल, मोती महल, ठीक है, मोती महल, जयविलास पैलेस, जयविलास पैलेस, ये यहाँ के हमारे ग्वालियर ज़िले के जो इम्पोर्टेंट जो पर्यटन स्थल है, मैं वो आपको बता रहा हूँ ना। रूपसिंह स्टेडियम, इसके ऊपर में भी ऑलरेडी क्वेश्चन बन चुका है ना, रूपसिंह स्टेडियम के ऊपर में, स्टेडियम ये हो गया आपका रूपसिंह स्टेडियम, और गौस गौस मोहम्मद का मकबरा भी यहाँ पर है, गौस मोहम्मद का मकबरा, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है मैं वही बता रहा हूँ ना। लक्ष्मीबाई की समाधि भी है, की समाधि, है ना, गुजरी महल, गुजरी महल, ठीक है, गुजरी महल, तानसेन का मकबरा, मैं तो ये बता ही दिया हूँ लेकिन इसको लिख लीजिएगा, है ना, तानसेन का मकबरा, ठीक है दोस्तों, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, है ना, मैं इसको मिटा रहा हूँ। ठीक है, गोपाल चंद की दिगंबर जैन मूर्तियाँ, गोपाल चंद, गोपाल चंद की दिगंबर जैन मूर्तियाँ, गोपाल चंद की दिगंबर जैन मूर्तियाँ, ठीक है। और इसकी जो दूसरा जो हमारा पर्यटन स्थल है वो है हमारा तेली का मंदिर, तेली, इसको नोट कर लीजिएगा, है ना, तेली का मंदिर, तेली का मंदिर हो गया, गोपाल चंद की दिगंबर की जैन मूर्तियाँ हो गई, तेली का मंदिर हो गया, और ये भी हो गया, ठीक है, बस इतना ही है इसके इम्पोर्टेंट, है ना, इम्पोर्टेंट जो पर्यटन स्थल है बस इतना ही है। लेकिन याद रखिएगा कि जो अपना तेली का जो मंदिर है वो किस शैली में बना हुआ है, तो ये द्रविड़ शैली में बना हुआ है, किस शैली में, द्रविड़ शैली में, ठीक है। आप इसको पर्यटन स्थल में आपको बता दिया, इसको लाइन से हमको याद रखना है, आप नोटबुक में नोट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम चलेंगे हमारे ग्वालियर संभाग के, ग्वालियर संभाग के दूसरे जिले के ऊपर में। हेलो चित्रंजन सर, एक बार वीडियो देखो, सही है ना, हमारा ग्वालियर संभाग का जो दूसरा जिला है वो कौन सा है, हमारा शिवपुरी, हम देख लेते हैं शिवपुरी जिले के जो मुख्य बिंदु है हम उनको नोट, आप एक काम कीजिए, है ना, नोटबुक पकड़िए और नोटबुक में इनको नोट करते चलिए। यहाँ तात्या टोपे की समाधि है, किसकी, तात्या टोपे की, तात्या टोपे की समाधि कहाँ पर है, हमारे शिवपुरी जिले में, तात्या टोपे की समाधि है, ठीक है। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर में, तो नेक्स्ट पॉइंट पे शिवपुरी को मध्य प्रदेश का पहला पर्यटन शहर घोषित किया गया है ना, इसको याद रखिएगा, हमारे मध्य प्रदेश का पहला पर्यटन शहर किसे घोषित किया गया है, तो शिवपुरी को, प्रदेश का पहला पर्यटन शहर घोषित किया गया, किसको, हमारे
शिवपुरी जिले को, ठीक है। तात्या टोपे की समाधि भी है यहाँ पर, और प्रदेश का पहला पर्यटन स्थल, पर्यटन शहर भी इसको हमको ये मतलब हमारे शिवपुरी जिले को मध्य प्रदेश का पहला पर्यटन शहर भी घोषित किया गया। और माधव राष्ट्रीय उद्यान में जॉर्ज कैलाश भवन है ना। माधव, माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? यहीं पर है ना, शिवपुरी में। माधव आप तो समझ सकते हैं ना, माधव राष्ट्रीय, माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? हमारे शिवपुरी जिले में, इसको याद रखिएगा, ठीक है। जो हमारा माधव राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ पर है? हमारे शिवपुरी जिले में जॉर्ज कैसल भवन है ना। माधव राष्ट्रीय उद्यान तो है, माधव राष्ट्रीय उद्यान जॉर्ज मतलब जो हमारा माधव राष्ट्रीय उद्यान है ये कहाँ पर है? शिवपुरी जिले में। और माधव राष्ट्रीय उद्यान में जॉर्ज है ना, हमको तो ये मालूम है कि माधव राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ पर है? हमारे शिवपुरी जिले में। और माधव राष्ट्रीय उद्यान में ही स्थित है क्या जॉर्ज कैसल भवन? जॉर्ज कैसल भवन कहाँ पर स्थित है? हमारे शिवपुरी जिले में जो स्थित है क्या माधव राष्ट्रीय उद्यान, वहाँ पर जॉर्ज कैसल भवन है ना, जॉर्ज कैसल भवन वहाँ पर स्थापित है, ठीक है। इसके अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात की जाए तो शिवपुरी में नरवर का किला है ना, एक इम्पॉर्टेंट किला है, वो क्या है? नरवर का किला, नरवर, नरवर, नरवर का किला, ठीक है। नरवर का किला कहाँ पर है? हमारे शिवपुरी जिले में, ठीक है। और इसकी और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट की बात की जाए तो यहाँ पर जो सांख्या राजे सिंधिया की क्या है समाधि, संख्या राजे सिंधिया की समाधि कहाँ पर है? शिवपुरी में की समाधि कहाँ पर है? हमारे शिवपुरी जिले में, ठीक है, इसको याद रखिए। और करेरा अभयारण्य भी है, हमको तो मालूम है कि माधव राष्ट्रीय उद्यान भी है और क्या करेरा अभयारण्य, करेरा, नरवर का किला और करेरा अभयारण्य है ना, याद रखिएगा जोड़ के, अभ्या करेरा अभयारण्य भी यहीं पर है, ठीक है। और हम देख लेते हैं इसके और एक दो पॉइंट। हाँ, और एक इम्पोर्टेंट बात कि जो करेरा अभयारण्य है यहाँ पर किसका संरक्षण किया जाता है? हमारे सोन चिड़िया का, इसको भी याद रखिएगा यहाँ, सोन चिड़िया का, सोन चिड़िया का संरक्षण किया जाता है, ठीक है। सोन चिड़िया का संरक्षण किया जाता है कहाँ पर? हमारे करेरा अभयारण्य में है ना। और इसका और एक है यहाँ पर जो एक मेला और लगता है, कौन सा लगता है? पीर बुधान का मेला, किसका मेला? पीर बुधान का मेला, पीर बुधान का मेला कहाँ पर लगता है? हमारे शिवपुरी जिले में, ठीक है दोस्तों। ये इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने आपको बता दिया है। अब चलते हैं हमारे ग्वालियर संभाग के तीसरे जिले के ऊपर में, और जो ग्वालियर संभाग का जो तीसरा जिला है वो कौन सा है? हमारा गुना जिला, ठीक है। और याद रखिएगा गुना से ही अशोक नगर बना है ना, हमारे गुना जिले से अलग होकर के क्या बना है? अशोक नगर, ठीक है। अब हम चलते हैं हमारे तीसरे जिले के ऊपर में, और वो कौन सा है आपका? गुना जिला, गुना जिला, ठीक है। अब हम देख लेते हैं इसके मुख्य बिंदु किसके? गुना जिले के भू उपसर्ग, जो हमारा भू उपग्रह दूरसंचार अन्वेषण केंद्र है वो कहाँ पर है? हमारे गुना जिले में भू उपग्रह दूरसंचार अन्वेषण केंद्र, भू उपग्रह दूरसंचार, दूरसंचार भू उपग्रह दूरसंचार अन्वेषण केंद्र, अन्वेषण केंद्र कहाँ पर है? हमारे गुना जिले में, ठीक है, राइट। तो भू उपग्रह दूरसंचार अन्वेषण केंद्र कहाँ पर है? हमारे गुना जिले में। और हजारी, विजयपुर, जगदीशपुर पाइपलाइन कहाँ से निकलती है? हमारे गुना जिले से निकलती है ना। हजीरा, विजयपुर, हजीरा, विजयपुर, विजयपुर, हजीरा, विजयपुर और जगदीशपुर, हजीरा, विजयपुर और जगदीशपुर,
जगदीशपुर, पाइपलाइन, पाइप लाइन हमारे गुना जिले से निकलती है, पाइपलाइन गुना जिले से निकलती है, ठीक है। ये निकलती है, ठीक है, ये इसका दूसरा मेन पॉइंट हो गया। अब तीसरा पॉइंट पॉइंट देखने चलते हैं, तो नेशनल फर्टिलाइजर्स विजयपुर कहाँ पर स्थित है, हमारे गुना जिले में है ना। नेशनल नेशनल फर्टिलाइजर्स जो है, नेशनल फर्टिलाइजर्स विजयपुर कहाँ पर है, हमारे गुना जिले में, ठीक है, हमारे गुना जिले में। और इसकी नेक्स्ट पॉइंट की बात, जो मुख्य बिंदु की अगर से बात करें हम लोग, तो यहाँ पर किसका मेला लगता है, तेजा जी का, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, तेजा जी का मेला, तेजा जी का मेला, तेजा जी का मेला कहाँ पर लगता है, हमारे गुना जिले में, ठीक है। इसके चार इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है। भू उपग्रह दूरसंचार अन्वेषण केंद्र कहाँ पर, गुना में, गुना जिले में स्थित है, ठीक है। हजीरा विजयपुर जगदीशपुर की जो पाइपलाइन है वो कहाँ से निकलती है, हमारे गुना जिले से निकलती है। और नेशनल फर्टिलाइजर्स विजयपुर भी कहाँ पर है, हमारे गुना जिले में। और लास्ट जो पॉइंट है वो क्या है हमारा, तेजा जी का जो मेला लगता है वो कहाँ पर लगता है, हमारे गुना जिले में लगता है, ठीक है। अब हम चलेंगे हमारे ग्वालियर संभाग के चौथे जिले के ऊपर में, चौथा जिला है हमारा अशोकनगर, जो कि किस जिले से अलग होकर बना है, हमारे गुना जिले से, चौथा जो है वो है अशोकनगर, अशोक नगर, ठीक है। हमारा जो चौथा जिला है वो है हमारा अशोकनगर। अब हम बात करते हैं अब अशोकनगर की, ठीक है। अशोकनगर के अगर से मुख्य बिंदु की बात की जाए तो वह है चंदीरा में जो बैजू बावरा की जो समाधि है वो कहाँ पर है, हमारे अशोकनगर में, चंदेरी में बैजू बावरा की समाधि, बैजू बावरा की समाधि किस जिले में है, हमारे अशोकनगर जिले में, ठीक है। अब चलते हैं हम इसके नेक्स्ट बिंदु के ऊपर में, तो इसका जो नेक्स्ट पॉइंट ये है कि इसका जो मतलब अशोकनगर का जो गठन हुआ था वो कब हुआ था, हमको याद रखना चाहिए कि इसका जो गठन है वो कब हुआ था, 15 अगस्त 2003 को हुआ था, ठीक है, 15 अगस्त 2003 को अलग हुआ था, किससे हुआ था अलग, गुना जिले से, जो मैंने आपको पहले बता दिया, ठीक है। तो अगर से पूछा जाए कि गठन कब हुआ अशोकनगर का, तो 15 अगस्त 2003 को, और अगर से पूछा जाए कि गुना जिले से अशोकनगर कब अलग हुआ, वो हुआ 15 अगस्त 2003 को, ठीक है। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर में, तो इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है, अगर से जब, हाँ, जब अशोकनगर जब अलग हुआ तो इसकी जो तहसीलें थी वो कौन कौन सी थी, इसको देख लेते हैं, ठीक है। तहसीलें जो थी वो कौन कौन सी थी, ठीक है। तो जब गुना से जब हमारा अशोकनगर जब अलग हुआ तो इसकी जो तहसील थी वो थी अशोकनगर, अशोक नगर हो गया, ठीक है, ईसागढ़ हो गया आपका, ईसा ये हो गया आपका, ईसागढ़ हो गया, ठीक है, अशोकनगर, ईसागढ़, चंदेरी व मुंगावली, चंदेरी और क्या, मुंगावली, ठीक है, चंदेरी और क्या हो गया आपका, मुंगावली। ये जो चार तहसीलें हैं, जब हमारा अशोकनगर है गुना जिले से जब अलग हुआ था तो चार तहसीलें थी, क्या क्या, अशोकनगर, ईसागढ़, चंदेरी और मुंगावली, ठीक है। ये इसका एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो गया, हमको याद रखना चाहिए ना, वो पूछ सकता है किसी भी तरह से, कोई भी क्वेश्चन बना सकता है वो, ठीक है। और मुंगावली में क्या है, खुली जेल भी है, मुंगावली में खुली जेल भी है, ठीक है, मुंगावली में खुली जेल है, जो कहाँ पर है, हमारे अशोकनगर जिले के अंतर्गत आता है, ठीक है। अब इसकी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात की जाए, तो जो चंदेरी का किला है वो कहाँ पर है ना, चंदेरी का जो किला है वो देखने योग्य है ना, आप कभी जाइएगा, तो जो चंदेरी का किला है वो कहाँ पर है, हमारे अशोकनगर में, चंदेरी का किला कहाँ पर है, हमारे अशोकनगर में, ठीक है।
और इसके हम एक लास्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं, तो यह जो चंदेरी का जो यहाँ की जो चंदेरी साड़ियाँ है ना, कहाँ की, हमारे अशोकनगर की, वो फेमस है चंदेरी साड़ियाँ। साड़ियाँ प्रसिद्ध है, ठीक है। तो हमारे जो अशोकनगर की जो चंदेरी साड़ी है वो क्या है, प्रसिद्ध है। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट हो गए, चंदेरी में बैजू बावरा की समाधि है, ठीक है। बैजू बावरा की, अगर से अशोकनगर की गठन की बात की जाए तो कब हुआ, 15 अगस्त 2003 को इसका, हमारे अशोकनगर जिले का गुना जिले से अलग होकर के गठन हुआ 15 अगस्त 2003 को, ठीक है। और इसकी तहसीलों की बात की जाए तो हमारे जो अशोकनगर की तहसील है वो है अशोकनगर, ईसागढ़, चंदेरी और क्या, मुंगावली। तो जो हमारे मुंगावली तहसील में, हमारी जो मुंगावली जो तहसील है किसकी, अशोकनगर की, ठीक है। उसमें क्या है, खुली जेल है, खुली जेल, ठीक है, इसको याद रखिएगा, खुली जेल कहाँ पर है पूछ लेता है, ठीक है। तो चंदेरी का और क्या इंपॉर्टेंट है उसमें, अशोकनगर में क्या है, चंदेरी का किला, और यहाँ की जो चंदेरी की साड़ी है वो क्या है, फेमस, क्या है, फेमस 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 प्रसिद्ध, ठीक है, प्रसिद्ध है ना। अब हम चलते हैं हमारे ग्वालियर संभाग के लास्ट जिले के बारे में, देख लेते हैं थोड़ी डिटेल्स, ठीक है। जो पांचवा जिला है वो कौन सा है, हमारा दतिया, ठीक है। दतिया जिले के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं हम लोग। अगर चीज़ के हम मुख्य बिंदु की बात की जाए, हमारे दतिया जिले के जो अंतर्गत आता है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी बनते हैं इसके ऊपर से ना, तो दतिया में जो गुर्जरा स्थान है ना, गुर्जरा में, मतलब हमारे दतिया जिले के अंतर्गत जो गुर्जरा स्थान है, यहाँ पर क्या प्राप्त हुए, यहाँ पर अशोक के शिलालेख प्राप्त हुए हैं, ठीक है, अशोक के शिला लेख, अशोक के शिलालेख प्राप्त हुए हैं, ठीक है। और हम अगर से दतिया जिले के अंतर्गत अगर से दूसरे बिंदु की बात करें, जो मुख्य बिंदु है, तो यहाँ पर क्या है, पीताम्बर पीठ भी स्थित है हमारे कहाँ पर, दतिया जिले में, ठीक है, इसको याद रखिएगा, पीताम्बर पीठ, पीताम्बर पीठ कहाँ पर है हमारे दतिया जिले में, पीताम्बर पीठ, ठीक है, पीताम्बर पीठ भी कहाँ पर है हमारे दतिया जिले में स्थित है, ठीक है। अगर से हमारा जो दतिया जिला है इसके अगर से प्राचीन नाम की बात करें, तो इसका जो प्राचीन नाम था वो क्या था, दिलीप नगर, प्राचीन नाम था, क्या नाम था, दिलीप नगर, दिलीप दिलीप दिलीप, मेरे दोस्त का नाम है दिलीप, दिलीप दिलीप नगर, ठीक है, दिलीप नगर। दतिया का जो पुराना नाम था, मतलब प्राचीन जो नाम था वो क्या था आपका, दिलीप नगर। और जैनों का जो तीर्थ स्थल है सोनागिरी है ना, वो भी कहाँ पर है हमारे दतिया जिले में, जैनों का तीर्थ स्थल है, तीर्थ स्थल क्या है, सोनागिरी, सोना सोनागिरी है ना, सोनागिरी, जैनों का जो तीर्थ स्थल है वो क्या है हमारा, सोनागिरी, जो कहाँ पर स्थित है हमारे दतिया जिले में। ये भी इसका एक इम्पोर्टेंट, मतलब इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिसको आप याद रख सकते हैं ना। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे जिला जो था वो पहले क्या था, दतिया, मैंने क्या बोला कि जो दतिया था वो क्या, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला था, लेकिन कब, जब हमारे मध्य प्रदेश में जब 51 जिले थे ना, उस टाइम पे हमारा जो दतिया जिला है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला था, लेकिन जब से क्या हुआ, 52 जिले बने, ठीक है ना, जब 52 जिले बने तो 52वां जिला कौन सा था हमारा, निवाड़ी, ठीक है, जो निवाड़ी जो हमारा 52वां जिला था, तो ये क्षेत्रफल की दृष्टि से क्या था, सब अभी वर्तमान की अगर से कंडीशन में देखा जाए तो जो हमारे मध्य प्रदेश का जो सबसे छोटा जिला है वो कौन सा है, निवाड़ी, ठीक है, इसको याद रखना है। लेकिन हमको याद रखना है जब 51 जिले थे है ना, 51 जब जिले थे उस टाइम पे अगर से क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर से बात की जाए कि सबसे छोटा जिला कौन सा था, वो था आपका दतिया, ठीक है, ये तो हम बता दिए, इसको छोड़ देते हैं, ठीक है, हमको याद रखना है। अभी वर्तमान प्रेजेंट टाइम पर बात की जाए तो वो क्या है, निवाड़ी, लेकिन जब 51 जिले थे हमारे मध्य प्रदेश में तब क्या था सबसे छोटा क्षेत्रफल की दृष्टि से, वो था हमारा दतिया जिला। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर में, तो कुदु सिंह संगीत महाविद्यालय कहाँ पर है, हमारे दतिया जिले में है, इसको याद रखना है, कुदउ है ना, कुदउ कुदउ कुदउ
कुदू सिंह है, कुदू सिंह, कुदू सिंह, कुदू, क्या क्या नाम है यार चित्तू, क्या क्या जबरदस्त नाम है ना, कुदू सिंह संगीत महाविद्यालय, संगीत महाविद्यालय, महा विद्यालय कहाँ पर है, हमारे दतिया जिले में है, ठीक है। और हम देख लेते हैं इसका जो लास्ट पॉइंट वो है, उसका जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है ना, इसमें हमारे दतिया जिले में बहुत से मंदिर होने के कारण से इसे लघु वृंदावन भी कहते हैं। ये हमारा लास्ट और वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना दतिया जिले का। अनेक अनेक हमारे दतिया जिले में अनेक मंदिर होने के कारण, अनेक मंदिर होने के कारण कारण हमारे द्वितीय जिले को क्या कहते हैं, लघु वृंदावन, लघु वृंदावन, ठीक है दोस्तों। ये जो इम्पोर्टेंट है ना, अनेक बहुत सारे मंदिर होने के कारण से हमारे दतिया जिले को क्या बोलते हैं, लघु वृंदावन। तो इसकी इम्पोर्टेंट बात की जाए तो गुर्जरा जो स्थान है हमारे कहाँ का, दतिया जिले का, उसमें क्या मिले हैं, हमारे अशोक के शिलालेख प्राप्त हुए हैं। यहाँ पर जो पीताम्बर पीठ है वो हमारे कहाँ पर है, दतिया जिले में। और इसका जो अगर से प्राचीन नाम की बात की जाए दतिया जिले की, तो वो क्या है आपका, दिलीप नगर। और जैनों का जो तीर्थ स्थल है सोनागिरी, वो भी कहाँ पर स्थित है, हमारे दतिया जिले में। और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है ना, इसको भी याद रखिएगा, कुदऊ सिंह संगीत महाविद्यालय कहाँ पर है, तो वो कहाँ पर है, हमारे दतिया जिले में है। और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट जो इसका लास्ट पॉइंट था वो क्या था हमारा, कि हमारे दतिया जिले में क्या है, अनेक मंदिर होने के कारण से इसको क्या कहते हैं, लघु वृंदावन भी कहते हैं। दोस्तों अगर से मेरा वीडियो आपको अगर से पसंद आया तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर से ऐसे ही वीडियो आपको अगर से और भी देखना है तो हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम पेरोड में जाइएगा, और वहाँ पर मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखे रखा है संपूर्ण मध्य प्रदेश के नाम से। उस पर जैसे जाएंगे आप तो उसको वहाँ पर आपको चैप्टर वाइज पूरी टोटल क्लास मिल जाएगी, और ये जो क्लासेस चल रही है रेगुलर चल रही है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये जो मैं क्लासेस ले रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।